आपको बताते चले कि महायुति हो, महाविकास अघाड़ी हो, दोनों एक दूसरे से लड़ने की बजाय अपनी अपने गठबंधन में ही यहां पर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बागी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं या एक पार्टी दूसरे सहयोगी पार्टी के नेताओं से परेशान हो रही है। वहां पर नवाब मलिक को लेकर यहां पर बहुत सारे सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी जो नवाब मलिक पर लगातार तंज कसती रही है, लेकिन अब जब अजित पवार ने उनको उतार दिया है चुनावी मैदान में, तो बीजेपी के लिए कितनी ये असहज करने वाली बात है। अजित पवार के लिए नवाब मलिक जरूरी है या फिर मजबूरी, आज इसको लेकर एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में दोनों पक्षों की ओर से किस तरह के दावे किए गए हैं। नवाब मलिक की तूती क्यों इतनी ज्यादा बोल रही है, इस चुनाव में अजित पवार के लिए क्यों बन गए हैं नवाब मलिक जरूरी, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने तामझाम के साथ कल दो सेट में अपना नामांकन भरा। एक सेट में नामांकन निर्दलीय और दूसरा सेट एनसीपी के उम्मीदवार के तौर पर था। बाद में ऐलान कर दिया कि एनसीपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। मानखुर शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नामांकन भरा था। यहाँ तक तो कल की बात हुई, अब आज इसमें हुआ ये कि एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में बीजेपी और एनसीपी दोनों दलों के नेता पहुँचे। अलग अलग दोनों से नवाब मलिक पर सवाल हुआ। पहले एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार का जवाब देखिए। विड्रॉल जब 3 बजे खत्म होगा, दिन जो दिन विड्रॉल का है वो खत्म होगा, तब आपका आपको ये सवाल पूछने का कोई कारण नहीं रहेगा। ऐसा रास्ता हम निकालेंगे। रास्ता निकालने के मतलब नवाब मलिक वापस ले लेंगे नामांकन? अभी कैसे पत्ते खोलू तब, अब सवाल ये है कि क्या अजीत पवार ने बीजेपी को अंधेरे में रखकर नवाब मलिक को सिंबल दे दिया। ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी ने नवाब मलिक को टिकट देने का विरोध मीटिंग में तो किया ही था, कैमरे पर आकर भी विरोध जताया था। नवाब मलिक को हमारा विरोध तभी भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। दाऊद या दाऊद के परिवार से व्यवहार करने वाले का विरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी। 22 अक्टूबर को ही आशीष शेलार ने नवाब मलिक का विरोध किया था। अब जब एनसीपी ने टिकट दे दिया है, उम्मीदवार बना दिया है, तब बीजेपी का स्टैंड क्या है, ये जानने के लिए शिखर सम्मेलन में हमने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने नवाब मलिक का सवाल रखा। राष्ट्रवादी कांग्रेस को ये कहा था कि नवाब मलिक इनको आप टिकट मत दीजिए, अलायंस में हम उनका काम नहीं करेंगे, बीजेपी उनके साथ नहीं जाएगी, भारतीय जनता पार्टी उनका काम नहीं करेगी। नवाब मलिक को लेकर बीजेपी ने जब स्टैंड साफ कर दिया, तब हमने नवाब मलिक से संपर्क किया। नवाब मलिक कहते हैं कि कोई विरोध करे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्षेत्र की जनता उनके साथ है। कोई भी विरोध करे, बीजेपी विरोध करे, सिंधे सेना विरोध करे, जनता का विश्वास हमारे साथ है, जनता का समर्थन हमारे साथ है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्या है नवाब मलिक में कि बीजेपी उनकी उम्मीदवारी का विरोध कर रही है और एनसीपी पक्ष में खड़ी है। असल में बीजेपी नवाब मलिक पर टेरर फंडिंग से लेकर भ्रष्टाचार तक के आरोप लगाती रही है। बीजेपी का आरोप है कि डी कंपनी की मदद से नवाब ने करोड़ों की जमीन हड़पी। दाऊद की बहन से पैसों के लेन देन का आरोप है। डी कंपनी की मदद से जमीन को हड़पने के आरोप को लेकर ही नवाब मलिक को फरवरी 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। जब नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया था, तब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी और नवाब मलिक उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री थे। तब बीजेपी ने ही नवाब मलिक के इस्तीफे की मुहिम चलाई थी, लेकिन नवाब मलिक ने गिरफ्तार होने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया था। 17 महीने जेल में बंद रहने के बाद नवाब मलिक इसी साल अगस्त महीने में जेल से जमानत पर बाहर आए हैं और अभी जिस अणुशक्ति नगर की सीट से वो विधायक हैं, उस सीट से अजीत पवार की एनसीपी ने सना मलिक को टिकट दिया है, जो नवाब मलिक की बेटी है। बेटी सना मलिक पिता नवाब की सीट से चुनाव लड़ रही हैं, तो नवाब मलिक सीट बदलकर मानखुर्द शिवाजी नगर पहुंच गए हैं, जहां से कभी उनके साथी रहे समाजवादी पार्टी के अबू आजमी चुनाव लड़ रहे हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट अबू आजमी का अभेद्य किला है और उन्हें हराने के लिए एनडीए को एक मजबूत योद्धा चाहिए। अजीत पवार ने नवाब मलिक को उसी मिशन के लिए आगे किया है। हालांकि इस सीट पर शिंदे की शिवसेना का उम्मीदवार भी है।
मतलब एक सीट पर एनडीए के दो उम्मीदवार होने की वजह से गठबंधन के कार्यकर्ता कंफ्यूज है, लिहाजा अजीत पवार ने नवाब मलिक पर दाव लगाया है। अब नवाब की दबाव की सियासत क्या रंग लाती है, इस सीट से कौन पीछे हटता है और कौन बना रहता है, ये देखना होगा। नवाब मलिक महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा नाम है, लेकिन मूल रूप से नवाब मलिक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 70 के दशक में वो महाराष्ट्र पहुंचे और यहां पर समाजवादी पार्टी के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। नवाब मलिक पहली बार विधायक समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही बने थे। उनके बारे में जल्दी से दे देते हैं आपको जानकारी। आपको बताते चले 1996 में पहली बार नेहरू नगर सीट से नवाब मलिक विधायक बने, तीन बार लगातार वहां से चुनाव जीते, तीन बार अणुशक्ति नगर सीट से वो विधायक चुने गए। अबू आजमी और नवाब मलिक पहले एक साथ थे, यानी कि साथ साथ थे। अबू आजमी से विवाद के बाद समाजवादी पार्टी से उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। एनसीपी से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में वो रह चुके हैं। अब उन्हें अबू आजमी से मुकाबले के लिए मानखुर्द शिवाजी नगर की सीट पर लड़ने के लिए पहुंच गए हैं। ये सीट मुस्लिम बहुल है। तीन बार से अबू आजमी लगातार यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। 2019 में अबू आजमी को यहाँ पर 69,000 वोट मिले थे। शिवसेना दूसरे नंबर पर रही थी और उसे 43,000 वोट मिले थे। तब अबू आजमी 25,000 वोटों से चुनाव जीते थे। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर अबू आजमी की घेरेबंदी हो जाती है तो आसपास की सीटों पर भी इसका असर होगा, जिसका पूरा का पूरा फायदा लेने की कोशिश में यहां पर अजित पवार की टीम लगी हुई है कि वहां के आसपास के तमाम सीटों पर इसका असर डाला जा सके। यही कारण है कि एनसीपी अजित गुट के तमाम नेता इस मुद्दे पर या तो चुप्पी साध लेते हैं या फिर कहते हैं आगे आगे देखिए होता है क्या। ABP News, आपको रखे आगे।